चलो फिर मम्मी जी, आई एम हेडेड आउट। फोर्थ ईयर के लिए जा रहा है आपका बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बस फटाफट से एक साल खत्म करके जल्दी घर वापस आ रहा। ओहो, ऐसे थोड़ी इतने पहले ही खत्म, चालू हुआ नहीं, खत्म होने की बात है। कर लेना, और पीपीओ लेके गुड़गांव का पीपीओ उठाना, दीदी की तरह मत करना। गुड़गांव का पीपीओ ही उठाना है, मतलब अगर पीपीओ नहीं दिया मम्मी के पास। ठीक है डन, मेरे को तो खुद गुड़गांव में रहना है। That's really good boy. फोर्थ ईयर के लिए एडवाइस, प्लेसमेंट ईयर है, स्टे फोकस्ड, दैट्स द ओनली लाइन आई वुड से, स्टे फोकस्ड ऑन योर नंबर वन प्रायोरिटी, नंबर टू प्रायोरिटी ऑफ दैट। और अब दादी जी के पास चलते हैं। सत श्री अकाल दादी जी, तो मैं जा रहे हैं फोर्थ ईयर, आखिरी साल कॉलेज दा, किद्दा लग रहा तुहानू तुहाडा पोता जा रहा है? जी हां जी, बहुत सक्सेसफुल हो गए। थैंक यू दादी जी। ठीक है, हां जी, सक्सेसफुल हो के खुशी खुशी में को वापस आ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ, बट उससे पहले तू निकल रही है भाई, क्या वो व्हाट आर योर टिप्स फॉर मी? फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है मेरा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी आई थिंक। आई वुड से जस्ट गेट अ जॉब फर्स्ट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। गेट अ जॉब मतलब आईआईटी जा रहा हूँ तो जॉब तो मिल ही जाएगी, लग तो नहीं रहा मुझे। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। पीपीओ तो अभी पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं। तो आई वुड से कि प्लेसमेंट्स की तैयारी कर लेते, इजी नहीं होता हमेशा। उसके बाद अगर बाई चांस लग गई जॉब, यू स्टिल हैव अ फ्यू डेज ऑन योर हैंड्स, देन आई वुड से कि उल्टे काम कर सकते हो। उल्टे काम ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला, बट ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Guys, what is up? Welcome back to another video. My name is Iknur Singh and fourth year IIT Bombay ka finally start ho raha hai. I am headed to college and bahut acha sa din hai. Barish warish ke aasar the, but filhal yahan pe to nahi ho rahi barish. Bombay, I have heard it's raining a lot and it's raining cats and dogs for the past 4 days. बट जाके देखते हैं वहाँ पे भी, बट दिस इज रादर एक्साइटिंग एंड आई वॉन्टेड यू टू ज्वाइन मी ऑन दिस व्लॉग, क्योंकि सोचा ऐसा है कि फोर्थ ईयर में भाई व्लॉग्स का थोड़ा ज़्यादा भंडार लगाएंगे हम, बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी, दिस गोइंग टू बी माई फाइनल ईयर एट IIT बॉम्बे, एंड प्रेपरेशन पूरी हो चुकी है वहाँ पे, ऑल माई लगेज इज रेडी, कैब ड्राइवर आई हैव कॉल्ड, मिल लिया सबसे, स्टार्टिंग में आपने देख लिया, सबने अपनी गुड विशेज दे दी है। Crucial year, important year, but all the more fun and सारी excitement इस वाले year में हमें complete करनी है, ठीक है? So let's quickly get started and let's get started with this final journey to IIT Bombay. All set. यार अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था एंड मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी दैट यू वांट टू ग्रैब। एक्चुअली फिजिक्स वाला की एक वीडियो थी जहां पे दे वर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाला विद्यापीठ, आई लिंक इट डाउन बिलो, यू कैन ऑल्सो वॉच इट, जहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर देयर ऑनलाइन सक्सेस, अब वो ऑफलाइन में किस तरीके से एजुकेशन को अफोर्डेबल करना चाहते हैं वर्सेज द यूजुअल हाई कॉस्ट कोर्सेज। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज में ऑफलाइन कोर्स पूरा मिलने वाला है फॉर बोथ JEE एंड नीट। तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आपके पास, आपके नियर बाय अब एक सेंटर ऐसा हो सकता है जो ऑफलाइन आपको एक्सपर्ट फैकल्टी प्रोवाइड करता है। सो JEE हो, क्लास 11th 12th या नीट हो, आप ड्रॉपर्स भी हो खास करके स्पेशली, उनके लिए स्पेशल बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, हाई टेक एनेबल्ड क्लासेस हैं यहाँ पे, यहाँ इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज की क्लासेस होंगी। सेल्फ स्टडी जोन के लिए यू हैव मॉडर्न लाइब्रेरीज, यू हैव थिंग्स लाइक वन टू वन डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड फैकल्टीज, DPPs एंड टेस्ट सीरीज, बेस्ट मटीरियल ये तो फिजिक्स वाला में होता ही है। साथ में आउटडोर एंड गेम्स के लिए यू हैव गेम जोन एक्सेट्रा, जो जहां आप जाके अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हो आफ्टर क्लासेस। लास्ट ईयर भी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको ट्रस्ट किया था एंड दिस ईयर अगेन लाखों बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। सो इफ यू आर लुकिंग टू रीस्टार्ट योर प्रेपरेशन, नाउ इज द टाइम, बिकॉज अप टू 35,000 पे डिस्काउंट चल रहे हैं इसके एंड यू कैन गेट वेरी वेरी लो कॉस्ट कोर्सेज फिजिक्स वाला के विद्यापीठ में। सो गो चेक इट आउट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग, बाय। हमें नहीं मन कर रहा है जाने का कॉलेज, 3 महीने घर रहने के बाद कोई कॉलेज नहीं जा सकता है। घर कब रहा है बताना जरा। अरे अच्छा ठीक है, मतलब इंटर्नशिप के लिए रहे ठीक है होटल, बट वो वही दो चीज ज्यादा मिस कर रहा है, जो 5 स्टार में रहा है ना, इतने मजे किए हैं वो वाली लाइफ, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ऑसम थी, बट
वो दैट बीइंग सेड एक महीना तो पहले मैं रहा ना, मई में पहले मैं एक महीना रहा, फिर अभी भी लास्ट में 5-6 दिन रहा। ज्यादा दुख वही लग रहा है तुझे, जो वो इतने मजे करे है ना, दो महीने तूने, उसका तुझे ज्यादा दुख लग रहा है। काफी ही बढ़िया लाइफ रही जी, पता नहीं भगवान करे अब वैसी लाइफ तेरी आगे रहे। पर अभी नया हॉस्टल मिलने वाला है एक्चुअली, इस बार थोड़ा डिफरेंट वाला हॉस्टल होगा। एक और रूम टूर बना दे। रूम टूर तो बनाएंगे, कंटेंट थोड़ी छोड़ते हैं, कंटेंट तो आएगा ही। बट हां, आई विल मिस यू, यू विल मिस मी मोर, आई नो। चलो फिर बाय बाय बोल दो। बाय, जा रहा हूं। द बेस्ट, ठीक है, चलो। क्या टाइमिंग है, एकदम जाते जाते ही आ गई। हेल्प मी विद द बैग्स प्लीज, टेक टेक द बैग्स। नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग, बट ओके। नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग मत बोल, ये सब तो सब फेक कर रहा है ना। खुद बंदे का बनता है एक छोटा सा बैग को तो। गाइस लेट मी क्लियर इट आउट, ये कैमरा इसलिए बंद करा था क्योंकि इसने कैमरे पे तो बोल दिया कि कोई नहीं लीव इट, कैमरा बंद करके। देखो पता ना, मैंने एडिट करना है, मैं कट कर दूंगा इस सबको। नहीं करेगा, कटेगा इसका। यू आर जस्ट कंटेंट होर। Oh my God, this is too much, भाई। बहुत strong statement दे दिया तूने। है नहीं तू? नहीं। Content भी निकालना होता हर चीज़। नहीं। तेरा पूरा vlog मेरी वजह से ही चल रहा है बस। चल ठीक है ना? Cab is here and हम जा रहे हैं। Bye. All the best for yes. job and for relationships. Relationships? जो नहीं हो पा रही है। Excuse me. Again, ये इतनी personal information नहीं reveal करी जाती। घर को अलविदा बोल के यार पहुंच गए थे एयरपोर्ट। बाय द वे यार, अगर आपको डिजी यात्रा के बारे में नहीं पता है, दिस इज नॉट अ ब्रांड इंटीग्रेशन, लेकिन दिस मेक्स लाइफ वेरी इजी। तो मैं डिजी यात्रा हमेशा यूज करता हूं, एंड अगर आप सपोर्टेड एयरपोर्ट्स पे यूज करेंगे, यू कैन ऑल्सो गेट इन विद इन अ मिनट, और बाकी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। एंड घुस के ऑब्वियसली मैं सबसे पहले ये वाले बोर्ड को देखना प्रेफर करता हूँ, जस्ट टू इंश्योर कोई फ्लाइट डिले विले नहीं है। इवन दो आई चेक एवरीथिंग ऑनलाइन एंड फोन पे भी, बट फिर भी हमें फैंसी लगता है। एंड देन आई चेक इन माय लगेज, आई ऑलवेज यूज द सेल्फ चेक इन काउंटर्स, स्पेशली जब बहुत ज्यादा बैग्स होते हैं, ताकि बहुत ज्यादा मेरे बैग वैग को देखा ना जाए। मैं 25 kg का एक बैग और साथ में दो कैबिन बैग ले रहा था, तो आई डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा। भीड़ एज यूजुअल थी एयरपोर्ट पे लाइन में चेक इन पे, बट जल्दी से खत्म करके थैंक्स टू डीजी यात्रा आई हैड टाइम फॉर गोइंग टू द लाउंज। लाउंज में वी स्टार्टेड विद सम हेल्दी फूड। अभी मेरे पोस्ट समर का टारगेट यही है कि यार थोड़ा सा हेल्दी खाना खाया जाए, थोड़ा सा गेट बैक इन शेप। सो आई टुक सूप देयर एंड चला गया। काफ़ी खाली मिला मेरे को लाउंज, विच वॉज सरप्राइजिंग सिंस नाउडेज लाउंज तो बहुत भरे हुए रहते हैं। बट इट वॉज प्रिटी कूल फाइंडिंग दैट एम्प्टी लाउंज, स्पेशली इन दिल्ली एयरपोर्ट। एंड उसके बाद मतलब इंटरनेट भी काफ़ी सही था, अराउंड 70 Mbps स्पीड आ रही थी। सो आई सैट देयर, नेटफ्लिक्स चालू कर दिया एंड पास्ट सम टाइम देयर। तो खाली आए मैंने एंड प्रॉपर सब कुछ हो चुका है, एंड चेक इन थोड़ा जल्दी आ गया। फिर यात्रा होती बहुत ज़्यादा स्मूथली चेक इन हो जाता है, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद लाइक 1 hour फॉर दी बोर्डिंग, और आई विल स्पेंड सम टाइम थोड़ा सा लिंक्डइन पे एक आधी पोस्ट डालनी है वो करूँगा, और फिर थोड़ा सा आई विल वॉच नेटफ्लिक्स। एंड नींद सी आ रही है, थोड़ा सा लग रहा है यार वहाँ जाके बहुत सारे सेटअप वेटअप करना है रूम का, बट स्टिल द एक्साइटमेंट इज ऑल देयर कि कितना मज़ा आएगा वापस कॉलेज जाने का। सो या स्टे ट्यून्ड। पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं बोइंग 777 करवाता हूँ यार एयर इंडिया का बुक, तब हमेशा डिले होता है। परहैप्स बिकॉज इट्स अ कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट, बट 45 मिनट्स का डिले हो ही गया था। ओके, आई थिंक माई व्यूअर्स शुड डेफिनेटली नो वाई आई प्रेफर एयर इंडिया, स्पेशली ऐसे दिनों पर जब मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज होता है, इज बिकॉज वो 25 kg लगेज देते हैं वर्सेज अदर सेक्टर्स, अदर एयरलाइंस जो नहीं देती 25 kg। साथ ही मतलब ऑफकोर्स बहुत बढ़िया खाना वाना भी मिल जाता है, ग्रेट लेग रूम, एंड स्पेशली इफ यू कैन गेट टू बुक द बोइंग 777 या 787 ड्रीमलाइनर तो बहुत ऑसम हो जाता है। वेल, इस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा जोर जोर से, मेरे जो साइड पे इंसान बैठा था वो पैनिक कर रहा था और प्रे कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा डर लगा, बट ऑफकोर्स आई न्यू की दीज
जंबो जेट्स डोंट केयर अबाउट इतनी बारिश, तो आराम से हमने टेक ऑफ किया. एंड स्टैंडर्ड मतलब प्लेजेंट फ्लाइट थी, मज़ा आया काफ़ी. आई वॉच्ड ओशंस 12, खाना आ गया था वो बढ़िया से. एंड विद इन 1.5 hours मतलब विद दैट 45 minute डिले हम आराम से बॉम्बे में लैंड कर गए यार. और बहुत सुंदर था. इनफैक्ट मैंने एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बट वी फाइनली रीच्ड मुंबई. एंड ये शहर मतलब आपने IIT बॉम्बे का शहर, बहुत हमेशा खुशी आती है यहाँ पे लैंड करके. बट जो कैब लेने का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा हमेशा होता ही है इधर. तो आई स्पेंट लाइक 30 minutes ऑन द एयरपोर्ट कैब लेने में ही, तो थक गया काफ़ी. बट देन आई ट्रैवल्ड बैक ऑन कैंपस. आ गए हम, अराइव कर गए. बहुत रात हो चुकी थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट अराउंड लाइक 11:30-12 हो चुके थे. लकीली आई टोल्ड अ फ्रेंड ऑलरेडी कि भाई मेरा रूम देख लियो, वो नए हॉस्टल में. सो हॉस्टल 18 इज वेयर वी आर स्टेइंग. एंड नया रूम मुझे मिल चुका है. एंड द नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स विल बी अबाउट द रूम सेटअप, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली व्लॉग आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस.